सन, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपराइजिंग एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 10th की मैथ्स की जो लेक्चर सीरीज शुरू की थी, आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। और मैंने पिछले जो लेक्चर मैंने जो किया था लेक्चर नंबर 2, उसमें मैंने आप सभी को यूक्लिड विभाजन लेमा के बारे में बताया था, उसका प्रयोग करके हम लोग कैसे किन्हीं दो नंबर के HCF निकालते थे वो बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, लेमा और एल्गोरिदम, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया। अब इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो उसी एल्गोरिदम और लेमा के आगे और किस तरह तरह के हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं इस लेमा और एल्गोरिदम पे आधारित। ये हमें जो हमारा एग्जाम्पल है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, देखते हैं एग्जाम्पल में क्या करना है। एग्जाम्पल है, यदि 210+55 के HCF को हम लोग 210×5+55 x के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो x का मान क्या होगा, x बराबर व्हाट। तो सबसे पहले तो ये देखो 210 तथा 55 के HCF को लिखना है, तो हमें सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। 210 और 55 इनका HCF निकालना है। आपने क्लास 9th में जो दीर्घ विभाजन प्रक्रिया पढ़ी थी, लॉन्ग डिविजन मेथड, उसी को प्रयोग करते हैं। बड़ी संख्या को बीच में लिखते हैं और छोटी संख्या को बाहर भाग दो। और तीन बार जाएगा मे बी, यस तीन बार, 165 आया, जब घटाएंगे तो 45 आया। अब 55 को यहाँ लाएंगे, 45 से भाग दिया एक बार, घटाने पे आया 10। अब 45 को यहाँ लाएंगे, चार बार, 40 आ गया, घटाया तो आया 5। अब 10 को यहाँ लाएंगे, दो बार 10 आया, शेषफल 0 आ गया। दीर्घ विभाजन प्रक्रिया जब हमने लगाई तो इस हिसाब से हमारा HCF जो लास्ट वाली संख्या जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है वो होती है। अब इसमें हम अगर लगाएं अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो कैसे बनेगा इक्वेशंस, देखो 210 बराबर 55 को 3 में गुणा करके लिखते हैं और प्लस करके 45 करते हैं, ऐसे 55 × 3 प्लस करके शेषफल, ऐसे तो होता है ना। जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं वो बराबर होती है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी तरह अगर 55 को लिखें तो 55 बराबर 45 × 1 = 10, 45 बराबर 10 × 4 = 5 और 10 = 5 × 2 + 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि अगर हम किन्हीं दो संख्याओं में इस तरह से भाग देते चले आए तो जो आखिरी संख्या जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो अपना क्या हो जाती है, HCF। तो अपने केस में इस संख्या से हम लास्ट में भाग दे रहे हैं तो HCF क्या हो जाएगा, 5। ये आपको पता चल गया, ठीक। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि HCF को 210 × 5 + 55 x के रूप में लिखना है, अगर लिख दें तो x का मान क्या होगा। तो चलो लिख देते हैं, HCF अपना क्या है, 5 = 210 × 5 + 55 x। हमें 55 x का मान चाहिए तो बाकी की चीजें लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, 5 − 210 × 5 = 55 x। अब इन दोनों में से 5 अगर कॉमन लें तो क्या आएगा, 1 − 210 = 55 x, मतलब कि 5 × −209 = 55 x। अब x का मान निकालना है तो 55 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर क्या होगा, 5 − 209 / 55। 5 से भाग दो, 5 × 5 13 × 55। अब 11 से इसको भाग देते हैं तो एक बार गया, 11 × 11 आया 9, 9 से ये 99 बन जाएगा तो 9 बार भाग जाएगा तो x का मान अपना क्या आ गया, −19। ये आ गया अपना आंसर। तो देखा आपने कैसे हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इस उदाहरण को आसानी से कर लिया, ठीक है। आगे मैं एक और उदाहरण बताने वाला हूँ जहाँ यहाँ तो हमें सिर्फ एक चर दिया हुआ था, सिर्फ x। आगे जो उदाहरण आएगा उसमें x और y दो चर होंगे, तो वैसे हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है।
तो जो अपना नेक्स्ट उदाहरण है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेट्स सी व्हाट इट इज। उदाहरण है कि एक 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसे 65x प्लस 117 वाई के रूप में व्यक्त करना है। मतलब जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, हमें उस एचसीएफ को उन्हीं संख्याओं के पदों में लिखना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो वही अपना तरीका अपनाते हैं। ये बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, और बी बराबर छोटी वाली संख्या 65। तो दीर्घ विभाजन प्रमेय का लगाओ, तो दीर्घ विभाजन क्या बोलते हैं मेथड विधि, कि 65 से जब भाग देंगे एक बार जाएगा 65, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 52 आया, फिर 65 उतारा यहाँ पे, 52 से भाग दिया, एक बार गया भाग तो यहाँ पे 52 आ गया, 3 1 11, अब 13 से 52 को भाग दो, 4 बार में 52 का खेल खत्म। तो अपना एच सी एफ क्या आ जाएगा, 13। अब इसी चीज को हम लोग यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का थी, जो एल्गोरिदम था, उसके हिसाब से लिख लेते हैं। तो 117 बराबर क्या हो जाएगा, 65 गुणे 1 प्लस 52, और 65 बराबर क्या हो जाएगा, 65 बराबर 52 गुणे 1 प्लस 13, और इसी तरह दोबारा से हम लोग 52 को यहाँ लेंगे, सामान के लिए रखता है। 52 बराबर हो जाएगा 13 गुणे 4 प्लस 0। लास्ट वाला जो है यहाँ पे 13 से भाग देने पर 52 को 4 बार रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो मतलब अपना एच सी एफ क्या होगा, 13 एच सी एफ आ गया। अब कहता है अगर इसे 65x प्लस 17y के रूप में व्यक्त करना है, मतलब करना है इसे व्यक्त, तो हम देखते हैं कि 65x और 117y के रूप में हम लोग 13 को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, 13 इस वाले इक्वेशन में फ्री लिखा हुआ है, मतलब उसके साथ कोई और संख्या का गुणा नहीं है, तो हम ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं। इस इक्वेशन से 13 बराबर क्या आएगा, अगर 13 का मान निकालना हो तो इन दोनों को उधर पक्षांतर कर दो, क्या आएगा, 65 माइनस 52 गुणे 1, है ना, ये आ गया। अब हमें 65 चाहिए क्योंकि 65 यहाँ पे है, 52 नहीं चाहिए, तो इस वाले इक्वेशन से 52 का मान रख दो, देखो क्या आएगा, 65 माइनस 52 की जगह क्या रखेंगे, 117 माइनस 65 गुणे 1, 117 माइनस 65 गुणे 1, और ये बाहर गुणे 1 पहले से, ठीक है, आ जाएगा 65 माइनस 117, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे 65 गुणे 1। ओके, यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65 है, तो इन दोनों से हम 65 अगर कॉमन ले लें तो 1 यहाँ बचेगा प्लस 1 यहाँ बचेगा, और माइनस का 117 वैसे ही लिखा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 65, 1 1 2 हो गया, और माइनस 117। अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, 65x प्लस 117y से, तो देखो x बराबर क्या मिल जाएगा, 2, y बराबर क्या मिल जाएगा, -1। मैं एक बार और लिख देता हूँ, 65 गुणे 2, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें 117 के साथ गुणे में क्या लिखना पड़ेगा, -1। अब क्लियर हो जाएगा आई थिंक, x बराबर हम कंपेयर करें इधर उधर, तो x बराबर 2 और y की जगह हमने क्या लिखा है, -1। आ गया समझ। तो हमने अगर एच सी एफ को इन संख्याओं के पदों में व्यक्त किया है, तो x और y का जो मान आएगा वो ये आएगा। अब देखो, ये जो x और y का मान आया है ये अद्वितीय नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब हमने पढ़ा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो वहां पर जो q और r थे वो यूनिक थे, मतलब उनके जैसे कोई और q और r नहीं मिलेंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन यहाँ जो x और y मिल रहे हैं ये यूनिक नहीं है। कैसे यूनिक नहीं है, आइए देखते हैं। ये वाला उदाहरण, ये वाला क्या बोलते हैं इक्वेशन उठा लो, ये वाला 13 बराबर क्या होगा, 65 गुणे 2 प्लस 117 गुणे -1। अब अगर मैं इसमें 65 गुणे 117 जोड़ दूं और 65 गुणे
117 घटा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? सोच के देखो। किसी इंसान को 10 रुपए दे दो और वापस से 10 रुपए से ले लो तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नथिंग। इसी तरह मैंने इस उदाहरण इक्वेशन में 65 × 117 एक बार जोड़ दिया और 65 × 117 घटा दिया, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65 है, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचा? 2, और यहाँ पे कितना बचा? 117। आगे देखो यहाँ भी 117 है, यहाँ भी 117 है, तो कॉमन ले लो। प्लस का 117 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का 65 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, है ना? मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ यार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 65 × 117 + 2, 119 प्लस 117 × -65 - 1, तो माइनस का 66 हो जाएगा। अब इसका कंपेरिजन इससे करो तो एक्स बराबर अपने को क्या मिल रहा है? 119, और वाई बराबर क्या मिल रहा है? माइनस का 66। यहाँ पे एक्स दूसरा आ रहा था, यहाँ पे एक्स दूसरा आ गया, है ना? तो यही नहीं, अगर हम 65 को पहले घटाते और जोड़ते बाद में, मतलब कि ये माइनस का चिन्ह इधर होता और ये प्लस का चिन्ह इधर होता, तब कोई और वैल्यू आ जाती। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि अगर हम किसी दो संख्याओं के HCF को, HCF यहाँ पे 13 था, उसको उन संख्याओं के पदों में व्यक्त करते हैं तो जो हमें मिलते हैं ये चर x और y, इनकी जो इनका जो मान होता है वो यूनिक नहीं रहता है ना? हमें एक से ज़्यादा मान मिल सकते हैं। तो आइए हमें जो उस उदाहरण से निष्कर्ष मिला, जो हमें रिजल्ट मिला है, उसको एज ए नोट हम लोग लिख लेते हैं। तो माना ए और बी का HCF H है तथा इसे ए और बी के रैखिक संयोजन, रैखिक संयोजन क्या होता है मैं भी बताता हूँ। माना ए और बी का HCF H है तथा इसे और बी के रैखिक संयोजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाता है, अर्थात कैसे लिखा जाएगा? H बराबर होगा AX+BY, है ना? जहां एक्स तथा वाई पूर्णांक होंगे। तो हमें क्या पता चलता है? यह एक्स और वाई अद्वितीय नहीं है ना? यूनिक नहीं है। कैसे हम इस चीज को लिख लेते हैं न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में? एच बराबर हमने लिखा, पहली बात देखो हम यहाँ पे एच एक्स और वाई के 3 मान निकाल सकते हैं। कैसे? पहला तो यहाँ पे ऐसे आएगा, एच बराबर हमने लिखा AX+BY, तो यहाँ पे एक्स और वाई 2 आ गए, ठीक, पहला। अब अगर हम h बराबर AX+BY में ए बी जोड़ दें और ए बी घटा दें, क्या किया हमने? ए बी को जोड़ने व घटाने पर तब हमें क्या मिलेगा? देखो इसी के नीचे लिख देता हूं मैं,
अगर यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस बी, और यहाँ से बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वाई माइनस ए। ठीक, तो अब देखो ए के साथ यहाँ पे एक्स और वाई था, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें आ गई, है ना। एक ये हमें मिल गई एक्स और वाई की वैल्यू, है ना। अब अगर हम तीसरे तरफ देखें, तीसरा पॉइंट इसमें, हम अब इस बार पहले घटाएंगे और बाद में जोड़ेंगे। h बराबर ax माइनस ए बी पहले करेंगे और प्लस ए बी बाद में करेंगे, और प्लस का अपना बी वाई, है ना। तो अभी यहाँ पे ए कॉमन लो, क्या आएगा, x माइनस बी, और यहाँ पे बी कॉमन लो, क्या आएगा, ए प्लस वाई। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पहले घटाने और जोड़ने पर, वो लोग आप समझ गए, आप लोग समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज आ गई, तो हमें इससे क्या पता चलता है, ए तथा बी के संभावित, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, पॉसिबल गुणांक क्या क्या होंगे। पहली कंडीशन में एक्स तथा वाई आ गए थे, दूसरी कंडीशन में क्या क्या मिला था हमको, एक्स प्लस बी और वाई माइनस ए, एक्स प्लस बी तथा वाई माइनस ए। और जो हमने तीसरी कंडीशन देखी थी उसमें हमें क्या मिला था, ए के साथ है एक्स माइनस बी और बी के साथ है ए प्लस वाई। तो एक्स माइनस बी तथा ए प्लस वाई को वाई प्लस ए लिख देते हैं, तो सिमेट्री बन जाएगा। तो आप लोगों को ये सब पता चल गया ना कि अगर हम किसी दो संख्याओं को HCF निकालें और उन संख्याओं के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उस HCF को रख दें, तो जो हमें चर राशियां मिलेंगी वो अद्वितीय नहीं रहेंगी, जो हमें वेरिएबल्स मिल रहे हैं वो यूनिक नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब इसके आगे क्या करना है कि मैं अब एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, जिस तरह मैंने अभी उदाहरण नंबर टू किया उसी तरह मैं चाहूँगा कि आप लोग, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करें और देखें कि एक्स और वाई के क्या क्या मान आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि 56 तथा 72 का HCF H है तथा H बराबर 56x प्लस 72y है, मतलब हमने जो HCF है उसको संख्याओं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, 72y है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या आता है। आप लोग को सीधे ही मान निकाल लेना है, वो जो मैंने अच्छा ए बी का गुणा करके जोड़ा था और घटाया था ना, वो नहीं करना है, सिर्फ पहली बार में जो एक्स और वाई के मान आ रहे हैं वहां तक सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को मैं चार चीजें बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उन चार चीजों को आपने नहीं समझा तो पूरा जो आपका नंबर सिस्टम है आपके दिमाग से चला जाएगा, ठीक है। तो वो चार चीज़ें क्या क्या हैं, मैं एक एक करके बोर्ड पे लिख के आपको समझाता हूँ उदाहरण सहित, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आई थिंक, नहीं किया है तो वीडियो बैक करके नोट कर लो। पहली चीज़ है गुणनखंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर। किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है ये हमें देखना है, ओके। मैं बोर्ड को पहले डिवाइड तो करूं, क्योंकि चार चीजें हैं तो दो चीजें बोर्ड के लेफ्ट में, दो चीजें राइट में। तो देखो गुणनखंड क्या होता है, यह दी गई
संख्या, दी गई संख्या से छोटा होता है तथा संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। विभाजित मतलब होता है डिवाइड करना, रिमाइंडर एक को रहा है, जीरो है, करता है। तो क्या होता है गुणनखंड? जिस संख्या का हमें गुणनखंड निकालना है, या तो पहली बात उस संख्या से छोटा होगा, और दूसरी बात यह गुणनखंड उस संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो हमारे पास एक संख्या है 16, इसके हमें गुणनखंड फाइंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 16 से छोटी संख्या सोचो जो 16 को डिवाइड करती है। एक से शुरू करो, एक 16 से छोटी है, ठीक, और एक 16 को पूर्णतः भाग भी दे देगी, तो एक हो गया। दो, हाँ दो के टेबल में 16 आता है। तीन, तीन नहीं होगा। चार, चार के टेबल में भी आता है चार बार में। पांच नहीं होगा। छह नहीं होगा, छह के टेबल में 16 नहीं आता है। सात, आठ, आठ होगा और सीधे अब 16 होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच ऐसी संख्याएं हैं जो 16 का गुणनखंड है। 16 से छोटी भी हैं, यहाँ पे छोटी नहीं लिखना चाहिए, छोटा या बराबर, दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये जो गुणनखंड है बराबर भी हो सकता है, क्योंकि 16 भी 16 को डिवाइड कर रहा है। ओके, गुणनखंड की ये परिभाषा हो गई। दूसरा है अपवर्त्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल क्या होते हैं? यह दी गई संख्या से, ये तो देखकर जान ही गए ना कि गुणनखंड एक से ज्यादा हो सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ एक है, सोचो कौन सी संख्या है? वो है वन। वन से छोटा सिर्फ वन ही है, तो इसका गुणनखंड सिर्फ एक तो एग्जिस्ट करेगा। तो जो हमारा अपवर्त होता है मल्टीपल, या दी गई संख्या से बड़ा होता है, गुणनखंड छोटा होता है और यह बड़ा होता है, बड़ा है या बराबर होता है तथा संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। दो चीजें इसमें भी हैं। पहली बात तो जिस संख्या का हम मल्टीपल निकाल रहे हैं उससे बड़ा या उससे बराबर होना चाहिए, और दूसरी बात जो हमारा मल्टीपल है वह दी गई संख्या से भाग चला जाना चाहिए उसमें, मतलब मल्टीपल दी गई संख्या से विभाजित हो जाना चाहिए। इसमें क्या था? फैक्टर खुद विभाजित कर रहा था, इसमें अपवर्त अपवर्त को विभाजित किया जा रहा है। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ जाओगे। 16 ही ले लो, 16 के मल्टीपल निकालने हैं अपवर्त्य। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढनी जो 16 से बड़ी या बराबर हो और 16 से पूरी तरह कट जाए। तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे? पहली बात तो 16 ही होगा, 16 16 के पहाड़ में आता है, कट गया। और फिर 32, और फिर 48, और फिर 64, और ऐसे ही होते चले जाएगा, है ना? मल्टीपल्स एकदम इजी है, इसी का जस्ट उल्टा है। गुणनखंड हो गया, अपवर्त हो गया। इसके बाद मैं एचसीएफ बताता हूँ। पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इस बार एचसीएफ के बारे में कुछ नया पक्का आपको जानने को मिलेगा। एचसीएफ क्या होते हैं? पहली बात तो यह दो या दो से अधिक संख्याओं का
निकाला जाता है। HCF हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं का निकलता है, ठीक है, और जबकि मल्टीपल और फैक्टर सिर्फ एक नंबर का निकलता था, निकाला जाता है तथा यह दोनों संख्याओं से छोटा होता है। दूसरी बात हो गई, और तीसरी बात क्या है, यह दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड है। HCF के बारे में तीन बातें। पहला, ये तो दो या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। यहाँ मैंने दोनों दोनों लिख दिया तो सभी लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर हमने दो संख्याओं से ज्यादा ले लिया तब तो आपको लगेगा कि सर ने सिर्फ दो के बारे में बताया है, यहाँ तो हमें तीन मिल गई, है ना। तो यहाँ पर मैं सभी लिख देता हूँ, जितनी भी संख्याएं हमने ली इससे अपनी निकालने का थी, उन सबकी बात हो रही है। ओके, सभी संख्याओं से छोटा होता है, दूसरी बात, और सभी संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड है। संख्याओं से छोटा है लेकिन संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड है, कैसे, देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। मान लो कि हमें दो संख्याओं का गुणनखंड निकालना है, एक संख्या है अपनी, गुणनखंड कह रहा हूँ, एचसीएफ निकालना है 24 और दूसरी है 30। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड की बात हो रही है तो हम इन दोनों के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, सबसे पहला एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, पाँच नहीं होगा, फिर छः होगा, सात भी नहीं होगा, फिर आठ होगा, 8 3 24, 9 में नहीं है, 10, 11 नहीं है, फिर 12, 12 2 24, और फिर सीधे 24। ओके, और 30 के देखते हैं, एक है, दो है, तीन है, चार नहीं है, पांच है, छ है, सात आठ नौ दस, 10 से कट जाएगा, 15 है, और फिर उसके बाद 30। 24 और 30 के गुणनखंड लिख दिए गए, ठीक है। हर एक गुणनखंड जो है इसको डिवाइड करेगा और इसके सारे गुणनखंड इसको डिवाइड करेंगे। आगे क्या कह रहा है, यह सभी संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड है। अब इन दोनों में हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को विभाजित करे, मतलब कि इन दोनों गुणनखंड में से कॉमन देखना है। देखो, दो कॉमन है, पहली चीज, दोनों में दो एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों में तीन भी एग्जिस्ट कर रहा है, और क्या कॉमन है, दोनों में छह भी है। तीन चीजें दोनों में कॉमन हो गई, दो तीन छह, ये तीन चीजें। अब इन तीनों में से HCF कौन होगा ये पता करेगा तीसरा पॉइंट, यह सभी संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड है। हमें इन तीनों में से सबसे बड़ा गुणनखंड लेना है। देखो, सबसे बड़ा 6 है, फिर से छोटा ये है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 6 आया ना। आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब आगे चलते हैं LCM। मैं HCF का फुल फॉर्म आपको लिख देता हूँ, ये होता है हाईएस्ट कॉमन, ये पहले ही बता देना चाहिए था, फैक्टर हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो इन दोनों में मिलता हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड। एकदम आसान हो गया, सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, है ना, कितनी अच्छी बात है। एलसीएम इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब हो गया सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में मिले, मल्टीपल मतलब अपवर्थ। इसका इसके बारे में लिख लेते हैं, जैसे हमने इसके बारे में लिखा,
या भी दो या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और एचसीएफ और एलसीएम निकालने में आपकी काफी मदद करेंगी। या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह सभी संख्याओं से बड़ा था, छोटा था, यह सभी संख्याओं से बड़ा होगा। अपोजिट है, जैसे अपवर्त्य और अपना फैक्टर गुणनखंड अपोजिट थे, उसी तरह ये दोनों, यह सभी संख्याओं से बड़ा होता है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, इसमें क्या था, यह सभी संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड है। यह सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला सबसे बड़ा की जगह सबसे छोटा हो जाएगा। और गुणनखंड की जगह अपवर्त्य, आई बात समझ में? जो एलसीएम है वो दो या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है, पहली बात। और जिन संख्याओं को हम निकाल रहे हैं ये उनसे बड़ा होता है, दूसरी बात। या सभी संख्याओं को विभाजित सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला सबसे छोटा अपवर्त्य है। जिन संख्याओं का हम गुणनखंड निकालते हैं, जब उनके अपवर्त्य लिखेंगे एक करके, एक एक करके, तो उन अपवर्त में से हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन है, और उन कॉमन में से देखेंगे कौन सबसे छोटा है, वही अपना हो जाएगा एलसीएम। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इधर तो आ नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा बोर्ड इधर का इरेज कर देता हूँ। आप लोग ये लिख लीजिए पहले से ही, तो कोई दिक्कत ना हो, ताकि देखो एग्जाम्पल देखते हैं। दो संख्या ले लेते हैं, एक 16 और एक 20। देखते हैं कि इनका एचसीएफ क्या होगा। पहले हम 16 के अपवर्त लिख देते हैं, 16, 32, 48, 64, 80 और 96। चलो 96, ठीक है, और ऐसे ही आगे तो चलते चला जाएगा। अब 20 के देखो, 20, 40, 60, 80, 100 और ऐसे ही आगे होते चला जाएगा। देखो कौन कौन से अपवर्त कॉमन है, 80 सिर्फ कॉमन है, यहाँ पे और कुछ तो दिख नहीं रहा है, 80 कॉमन है। अब अगर कोई और कॉमन होता तब तो हम छोटे बड़े की बात करते, है ना, सिर्फ 80 मिल गया तो ये अपना क्या हो गया, LCM। ओके, और भी आप एग्जांपल करिए, 16 और 20 की जगह दूसरे नंबर ले लीजिए, तो वहाँ पे शायद आपको दो या तीन संख्याएं कॉमन मिल जाएं, तो आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया फैक्टर, मल्टीपल, एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। आई होप कि आप लोग को ये सब समझ आ गया हो। अब मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर 3-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके किस क्वेश्चन का क्या आंसर आया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख, ओके, मैंने बोर्ड पे सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आप लोग इनको ट्राई कीजिए और बताएं कि कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर आया है आपका। 48 से गुणनखंड करने हैं, 14 के अपवर्त यानी मल्टीपल्स निकालने हैं, 64 तथा 56 का एचसीएफ और 18 तथा 15 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ट्राई कीजिए, देखिए क्या होता है। और एक बात करनी थी मुझे कि मैं आप लोगों को बुक बता दूँ जो मैं बुक यूज़ करता हूँ। बुक का नाम है मैथमेटिक्स क्लास 10, और इसके राइटर हैं मधुर गुप्ता, और बुक का जो प्रकाशन है वो है नगीन प्रकाशन। तो अगर आप बुक लेने की सोच रहे हैं तो ये बुक ले लीजिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें उसमें दी हुई। ठीक है, तो ठीक है, मैं ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी थी वीडियो, आपको और कैसे कैसे क्या बोलते हैं क्वेश्चंस के टाइप्स चाहिए। मैंने एक दो उदाहरण भी करवाए हैं और आगे करवाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।